नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी हम पंचायती दौरे पर आ चुके हैं, पंचायत के कार्यक्रम पर आ चुके हैं और लगातार जो भी पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो भी नामांकन कराकर क्षेत्र में उतरे हुए हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान में बने हुए हैं। इसी दौरान इसी क्रम में हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 में हम आ चुके हैं और ये रहीमपुर दक्षिणी व रहीमपुर मध्य का क्षेत्र है। यहाँ पर डॉली कुमारी नाम की जो उम्मीदवार है, जिनके प्रतिनिधि मुन्ना यादव जी हैं, वो क्षेत्र में उतरे हुए हैं। डॉली कुमारी जी, जैसा कि जानकारी जनताओं के माध्यम से प्राप्त हो पाया कि डॉली कुमारी एक अच्छे पद पर, एक अच्छे नौकरी पर जो एक अच्छा वेतन भोगी थे, वो काम करने आए हैं और इनसे सीधे जुड़ते हैं, इनसे सीधे वार्तालाप करते हैं कि आखिर नौकरी छोड़ करके जनताओं के बीच आखिर क्यों आए और क्या ऐसा वजह था कि ये जनताओं के बीच सेवा करने आए। सीधे जुड़ते हैं, हमारे साथ खास चर्चाओं में उपस्थित हैं डॉली कुमारी, जिनका चुनाव चिन्ह है ताला छाप। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ? डॉली कुमारी। किस क्षेत्र संख्या से आप जनताओं के बीच नामांकन करा के जनता की सेवा करने जा रहे हैं? क्षेत्र संख्या 7 से हम नामांकन कराए हैं और हम जिला परिषद। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप। जी बिल्कुल, आप लगातार क्षेत्र में जनताओं के पास जा रही हैं और 10 साल पहले आपके प्रतिनिधि ने काम किया, आप जनता आपको किस प्रकार से देखती है, क्या कहती है जनता, ये बताएं। जनता मुझे सम्मान पूर्वक देखती है और उनकी बहुत आशा है। 10 साल पहले जो भी मैं प्रतिनिधि मेरे थे सहयोगी पति, जिन्होंने अच्छा काम किया है और उनको पूर्ण विश्वास है, आशा है कि आज हम भी, हमको भी उतारे हुए हैं और हम भी जो है एकदम उससे भी बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं और हम पूर्ण आशा है, आस्था है, निष्ठा है और जनता मेरे साथ पूरा एकजुट है और हम उनके लिए पूरा जो है कृत संकल्प है। उनकी सेवा के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं होगी। मैं सब प्रतिशत काम करूंगी और यहाँ तक मैं पूरा पूर्ण निष्ठा से काम करूंगी और सारी जनता के सहयोग मेरे साथ है और अपने आत्मबल आत्मसम्मान के साथ काम करूंगी और मैं अपने को वो सौभाग मानती हूँ कि सामाजिक ऋण में भागीदारी के लिए मुझे यह सौभाग मिला है, उस सौभाग को मैं जाने नहीं दूंगी। अच्छा, जैसा कि जानकारी में पता चला है कि आप जॉब में थे और जॉब को आप छोड़ करके इस समाज सेवा में आए हैं, जनताओं का एक अहम फैसला आया है, तो ये किस प्रकार की चीज़ है, ये जनता को आप बताने का प्रयास करेंगे? सरकारी नौकरी में अच्छे ढंग से अच्छा सैलरी में मुझे प्राप्त थी। किस पद पे काम कर रहे थे? मैं वहाँ पर LSB थी, लेडी सुपरवाइजर थी। मुझे 80,000 से अभव की वेतन थी, तो मैं लाख में भी जाती। मैं तो अभी कुछ प्रमोशन के समय में छोड़ी हुई थी मेरी नौकरी और 10 साल थी। मैं वहाँ भी 100% काम किया हूँ, वहाँ भी मेरे लिए सब बहुत विकल है और मैं वहाँ पर किसी को ये डिसीजन नहीं बता के और मैं, मेरे पति इतने समाज सेवा में मतलब उतावले थे, मैंने कोशिश की उनको कि वो भी मेरे इधर ही जाए, लेकिन उन्होंने अपने समाज को नहीं छोड़ा और हमको छोड़ के ही मैं अपने बाल बच्चे को ले करके मैं उधर रही हूँ, लेकिन समाज को नहीं छोड़े। तो इसीलिए हम तो जॉब जो छोड़ने की जो बात है, तो समाज सेवा में आपको जनताओं ने खींच लिया जी, जनताओं के मर्जी से आप आए जी, जनताओं की मर्जी से हम आए और यहाँ पर समाज सेवा के लिए मुझे वह समझते हैं कि एक वहाँ पर सरकारी सेवा भी, उनको पता है जनता को कि मैं बहुत अच्छे से कार्य करती हूँ, बहुत एकदम सोशल हूँ, मैं दिमाग से भी सोशल हूँ, आध्यात्मिक हूँ, तो इसीलिए उन लोग लगा कि नहीं इससे अच्छा विकल्प है कि इतना वो वहाँ सेवा दे रही है, हमारे गांव के बीच आए और सेवा दें और हम लोग उससे लाभान्वित हुए। जी बिल्कुल, धन्यवाद।